स्टूडेंट्स अ हार्टी वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूजीसी नेट एंड सेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जेके सेट या जिसको हम लद्दाख सेट भी कहते हैं, वहां पे हम 2022 पेपर 1 की प्रिपरेशन करेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहां पे हम जेके सेट 2013, 2016 और 2018 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन आईसीटी यूनिट। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल ने आपके प्रेपरेशन के लिए और जेके सेट पेपर 1 प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है। ये कोर्स में स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सारे ही यूनिट्स पे, विच इज ऑल द 10 यूनिट्स ऑफ जेके सेट। साथ ही आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, और आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे हम आपको 2016, 2018 और 2013 ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्वेश्चंस और आंसर्स भी मिलेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, हमने ये सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दिया हुआ है। आप इन पीडीएफ्स को रीड कर सकते हैं, यहाँ से स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, और उसको कंसिडर करके आप आगे की अपनी प्रेपरेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स आपके पास टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है, हमारे इस कोर्स में 40 प्लस मॉक टेस्ट हैं और हर टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, विच इज नियरली 2000 क्वेश्चंस। साथ ही आपको मिलेंगे एक 2000 एमसीक्यूज की पीडीएफ भी मिलेगी इस कोर्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लेक्चर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो हमारा ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर आप इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर जेके सेट प्रिपरेशन। अगर आप हमारे कोर्स को फॉलो करते हैं तो आपको कोई और कोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी में से आएंगे और आप हमारे कोर्स से डायरेक्टली 75 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं पेपर 1 से। तो ये कोर्स आपको मिलेगा ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पेपर 1 की फीस है स्टूडेंट्स 3000 रुपीज, पर हम करेंटली 20 स्टूडेंट्स को हम 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, और आफ्टर डिस्काउंट द फीस इज ओनली 2100 रुपीस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आप स्टोर सेक्शन में जाके जेके सेट आप सर्च करिए स्टूडेंट्स, फिर आपको देखिए जेके सेट का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। यहाँ पे मैंने कई सारे कंटेंट को फ्री डाला है, ऐप में सिलेबस भी ऐड कर दिया स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है सिलेबस नहीं फाइंड कर पाते, यहाँ पे ये सिलेबस है आपका, और ये एब्सोल्युटली फ्री है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 2013, 16 और 18 का पीडीएफ मिलेंगी, और सारे 10 यूनिट्स पे भी आपको कंटेंट मिलेगा, नोट्स, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स। तो आपको इसके अलावा कहीं और से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आईसीटी यूनिट का सिलेबस कुछ इस तरीके से दिखता है, जनरल एप्लीकेशंस एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन और आईसीटी एंड गवर्नेंस। तो आईसीटी यूनिट का जेके सेट का सिलेबस कुछ इस तरीके से, और इसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 MB इज इक्वेलेंट टू, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में चाहे सेट हो चाहे नेट हो, आपके आईसीटी यूनिट में से आपको मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी को हम कहते हैं बिट, 1 बिट। ओके, उसके बाद आपका 4 बिट से मिलके बनता है 1 निबल, 8 बिट से मिलके बनता है बाइट, और आपके 2 to the power of 10 बाइट से मिलके बनता है किलोबाइट, 2 to the power of 10 किलोबाइट से मिलके बनता है मेगाबाइट स्टूडेंट्स, और 2 to the power of 10 मेगाबाइट से मिलके आपका बनता है गीगाबाइट, एंड 2 to the power of 10 गीगाबाइट से मिलके बनता है 1 टेराबाइट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 to the power of 10 की एग्जैक्ट वैल्यूज है, यानी अगर हम 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1024। ओके, तो अगर हम देखें 1 MB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, क्या देखिए यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है? नहीं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है 1 MB is equals to 2 to the power of 10 kilobytes, तो यहाँ पे सिर्फ bytes लिखा है, तो ये option तो गलत हो गया, 1024 bytes, तो ये दोनों ही option similar है, इनमें कोई difference नहीं है, ये भी गलत हो गया। पर अगर हम option third की तरफ देखें, अगर हम MB को देखें, हम 1 MB को लिख सकते हैं
टू टू द पावर ऑफ 10 किलोबाइट्स, ओके। और किलोबाइट को लिख सकते हैं, ये टू टू द पावर 10 को तो एज इट इज लिख सकते हैं, और किलोबाइट को लिख सकते हैं हम टू टू द पावर ऑफ 10 बाइट्स। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स क्या हो गया यहाँ पे, दोनों आपका हो गया टू टू द पावर ऑफ 20। मैथ्स में देखिए, जब दोनों नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में सेम होते हैं तो आप उनको सेम लिख के और उनकी पावर को ऐड कर सकते हैं। तो टू टू द पावर ऑफ 10 और टू टू द पावर ऑफ 10 आपका होता है टू टू द पावर ऑफ 20। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में राइट आंसर है। और आप अगर टू टू द पावर ऑफ 10 को या 2 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, 1048576। तो 1 MB इज इक्वल टू 1048576 बाइट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करते हैं, चाहे नेट हो चाहे सेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इनपुट्स प्रोसेसेस एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज, यानी एक ग्राफिकल यानी पिक्चर्स फॉर्म में अगर हम इनपुट्स को, प्रोसेसेस को और किसी भी प्रोग्राम के आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको फ्लो चार्ट कहा जाता है या डेटा फ्लो डायग्राम, एल्गोरिदम या डिसीजन टेबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेटा फ्लो डायग्राम। तो जैसा आपको पता है कि एग्जैक्टली यही बता रहा है, डेटा का फ्लो, वो डायग्राम जो डेटा के फ्लो को दिखाता है उसको हम कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। फ्लो चार्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये एक होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके डायग्राम को हम कहते हैं फ्लो चार्ट। बट अगर हमको इनपुट्स दिखाना है, क्या क्या प्रोसेसेस है, क्या क्या आउटपुट है एक प्रोग्राम का, तो उसके लिए हम DFD यूज करते हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, DFD का डायरेक्ट एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DFD, उसका आंसर है डेटा फ्लो डायग्राम। एल्गोरिदम होता है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ध्यान से देखिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इनपुट्स प्रोसेस एंड आउटपुट इज डेटा फ्लो डायग्राम, राइट आंसर इज बी। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग ट्रांसलेशन प्रोग्राम एंड इट इज नोन एज असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या नन ऑफ दीस। तो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब जैसे आप और मैं यहाँ पे, हम मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। बट कंप्यूटर इंग्लिश और हिंदी नहीं समझता है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर वो अपनी ही भाषा समझता है जिसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का दूसरा एक और वर्ड भी है बाइनरी लैंग्वेज। और इसको बाइनरी लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन की भाषा समझता है, जीरोस एंड वंस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग ट्रांसलेशन प्रोग्राम एंड इट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ओके, क्या है आंसर, आंसर है मशीन लैंग्वेज। बाकी अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज स्टूडेंट्स ये बाइनरी लैंग्वेज से थोड़ी बेटर थी, बट स्टिल ये भी काफी टफ लैंग्वेज थी। असेंबली लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स कोडिंग करते थे। बाकी हाई लेवल लैंग्वेज के अगर एग्जाम्पल्स देखें तो करंटली आप देख सकते हैं, आपने नाम सुना होगा सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट, ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जो नॉर्मल इंग्लिश की तरह दिखती हैं। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अगर एग्जाम्पल पूछे तो आपको ये याद रखना है सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पाइथन, पर्ल एग्जाम्पल्स है। ओके, तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जिसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी का मतलब, बाय का मतलब होता है टू, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ दो नंबर्स है, जीरोज और वंस की लैंग्वेज यूज करता है, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेके से 2013 से आया है, माउस हैज अ यूज इन, माउस एज अ यूज इन, ऑप्शन आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन, इनपुट डिवाइस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीस। तो माउस देखते हैं एक तरीके का डिवाइस होता है, इट इज सिमिलर टू शेप ऑफ अ माउस, कंप्यूटर से आप इसको कनेक्ट करते हैं। तो माउस का यूज क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, जैसे कंप्यूटर जब आप ओपन करते हैं आपको छोटे छोटे आइकन्स दिखते हैं, तो आइकन्स क्या है, आइकन्स एक तरीके की इमेज है ना,
ग्राफिकल फॉर्म ऑफ पिक्चर फॉर्म में आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्रोम का सिंबल अलग होता है आपका, पावर पॉइंट का सिंबल अलग होता है। तो माउस की क्लिक से आप अगर किसी आइकन को ओपन करते हैं या किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो वो है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो माउस आपको उसमें तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन इनपुट डिवाइस में भी हेल्प करता है। अब जैसे कोई मैंने एप्लीकेशन ओपन करके रखा है तो वहां पे एक राइट हैंड कॉर्नर पे एक स्मॉल क्रॉस का सिंबल है, तो अगर मुझे उसको बंद करना है तो एप्लीकेशन का एक तरीके का माउस इनपुट डिवाइस भी है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इनपुट डिवाइस इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कंप्यूटर को कि ये का टास्क परफॉर्म करना है, आपको इस विंडो को बंद करनी है। तो माउस का यूज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में भी है, साथ ही माउस का यूज एप्लीकेशन के इनपुट डिवाइस में भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज नोन एज। तो रजिस्टर्स वो होते हैं, एक आपके कंप्यूटर्स के प्रोसेसर का पार्ट होते हैं स्टूडेंट, जो क्या करते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। और रजिस्टर्स कई टाइप के होते हैं, तो वो रजिस्टर जिसका काम है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है आपका प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। ओके, बाकी अगर हम रजिस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इसका काम क्या है, इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम मेमोरी। मतलब मेमोरी में, कंप्यूटर में जो मेमोरी है वहां पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो होल्ड करता है आपका एक्यूमुलेटर। जैसे एक्यूमुलेटर का क्या मतलब होता है, कोई भी किसी भी चीज को होल्ड करके रखने का काम, तो वो काम करता है आपका एक्यूमुलेटर। अगर हम देखिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम है आपका मेमोरी को होल्ड करके रखना। ओके, साथ ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम करना है टू होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड, कौन सी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली है। तो बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस किसका, कंप्यूटर वायरस आखिर क्या है, ये क्वेश्चन आपका आया था जेके से 2016 में स्टूडेंट्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर में आपने सुना होगा वायरस, जैसे नॉर्मली हमको ह्यूमन बीइंग्स को कैसे कोरोना वायरस जैसे आजकल फैल रहा है, तो वायरस क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर के भी वायरसेस होते हैं। वायरस एक तरीके के मैलवेयर है। मैलवेयर क्या होता है, मैलवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को हार्म करने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर के वायरस ना तो हार्डवेयर है ना तो वो एक तरीके का बैक्टीरिया है, बट वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। अब वायरस करते क्या है, वायरस आपके कंप्यूटर को हार्म करते हैं। क्या कर सकते हैं, वो आपके कंप्यूटर्स को स्लो बना सकते हैं, साथ ही वो कुछ फाइल्स को डिलीट भी करने कर सकते हैं। ऑल्सो वायरस का सबसे इंपॉर्टेंट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है, वो अपनी कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये है वायरस से रिलेटेड कि अगर आपके सिस्टम में वायरस है, किसी फाइल में वायरस है, तो जब तक आप उसको ओपन नहीं करते तब तक आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। मतलब वायरस को आप अगर वायरस को ट्रिगर करेंगे तभी आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा। एक तरीके का मैलवेयर होता है वर्म्स, एक होता है आपका वायरस जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और एक तरीके का होता है मैलवेयर वर्म। वर्म को ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था अगर किसी फाइल में वायरस है जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे वायरस नहीं आएगा। अगर वायरस वाली फाइल आपने ओपन कर दी तो कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा, पर वर्म के साथ ऐसा नहीं है। वर्म अपने आप ट्रैवल करता है, वो कंप्यूटर नेटवर्क में भी चला जाता है, आपके सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर्स में भी पहुंच सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है, क्योंकि कंप्यूटर वायरस ना तो हार्डवेयर है ना बैक्टीरिया है, बट वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसका काम है आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीसीपी इज नेसेसरी इफ वन इज टू कनेक्ट टू द, तो ये जेके सेट 2016 का अगला क्वेश्चन है आईसीटी में से। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पता होना चाहिए कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये यूज कहाँ पे होता है? ये टेलीफोन लाइंस में यूज नहीं होता, ना लैन में होता है, ना सर्वर में होता है। टीसीपी आईपी इंटरनेट में डेटा ट्रांसफर करने के काम आता है, यानी कंप्यूटर्स आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए आपको जरूरत होती है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की। बहुत ज्यादा हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में से, बस आपको ये पता होना चाहिए कि टीसीपी का काम है इट इज नेसेसरी टू कनेक्ट अस टू द इंटरनेट, और टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ फोर स्टेटमेंट्स देके रखे हैं, ये भी 2016 का क्वेश्चन है। मॉडेम इज अ सॉफ्टवेयर, मॉडेम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉडेम इज यूज्ड इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज, या मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। तो मॉडेम एक तरीके का सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल गलत है। सॉफ्टवेयर वो चीज होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे आप एंटीवायरस को टच कर सकते हैं स्टूडेंट्स? नहीं, हम नहीं टच कर सकते क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर के अंदर है जो हमको दिखाई भी नहीं देता है। क्या मॉडेम एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जिसके ऊपर दूसरे एप्लीकेशंस रन करते हैं, जैसे आपका हो गया लिनक्स एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका विंडोज एक तरीके का हो गया, उबंटू, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। पर मॉडेम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ना ही मॉडेम वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग इनटू डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल टू एनालॉग। मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? यानी ये दो वर्ड्स को मिलके बना है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये दो वर्ड्स मिलके बनता है आपका मॉडेम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडेम से रिलेटेड आपको कई बार क्वेश्चन आया है, कई सारे नेट एज वेल एज सेट एग्जामिनेशन में। और मॉडेम का देखिए, आपको पहले तो पता होना चाहिए मॉडेम किसका फुल फॉर्म है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का। अब मॉडेम का काम क्या है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब कैमरा इज यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सिक्योरिटी, कंट्रोल इनपुट डिवाइस, या ऑल ऑफ दिस। अब आपने देखा होगा हमारे लैपटॉप्स में या हमारे मोबाइल्स में वेब कैमरा रहता है। वेब कैमरा का क्या क्या काम है, किस पर्पस के लिए यूज होता है? कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, यस। अगर कई सारे लोग किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं तो वेब कैमरा यूज कर सकते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा जूम मीटिंग होती थी, स्टूडेंट्स क्लासेस लेते थे अपने टीचर्स से ऑनलाइन, तो वो सारी चीजें आपकी वेब कैमरा से होती थी। सिक्योरिटी के लिए भी काम आता है आपका, साथ ही ये एक तरीके का कंट्रोल इनपुट डिवाइस भी है क्योंकि हम वेब कैमरा से एक तरीके का इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का इनपुट डिवाइस हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। तो ये इतना ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है किसी भी नेट या सेट एग्जाम को, अगर आप ध्यान में देखें वेब ब्राउजर क्या है। अब ये क्वेश्चन में पहले पता होना चाहिए आपको इसका मतलब क्या है। वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है जिससे आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। किसको एक्सेस करते हैं स्टूडेंट्स? इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, ठीक है? अब वेब ब्राउजर के आपको टाइप्स पता होना चाहिए। क्या है, क्या याहू आपका एक तरीके का टाइप है? नहीं स्टूडेंट्स, याहू वेब ब्राउजर नहीं है, याहू एक तरीके का सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। गूगल भी एक तरीके का सर्च इंजन है और जीमेल एक तरीके के मेल सर्विस है, बट मोजिला फायरफॉक्स आपका एक तरीके का वेब ब्राउजर है। और कुछ और फेमस वेब ब्राउजर है जो यूज होते हैं आजकल, क्रोम हो गया आपका, नेटस्केप नेविगेटर हो गया आपका, और इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ही फेमस आपका वेब ब्राउजर रहा है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं यूज होता है बट पहले होता था, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, मोजिला फायरफॉक्स एक तरीके का आपका वेब ब्राउजर है। ओके, क्वेश्चन अगर सर्च इंजन पे आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, और अगर आपको ऑप्शन में गूगल या याहू दिखेगा तो वो दोनों ही आपके सर्च इंजन है बट ये वेब ब्राउजर नहीं है। ओके, अब आ गए हम जेके सेट 2018 पे। तो हमने 2 साल के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए आईसीटी में से, अब हम देखेंगे 2018 का क्वेश्चन।
A computer program that translates one program instructions at a time into machine language is called a interpreter, CPU, compiler या simulator. तो ये बहुत ही important question है. यहाँ पे question पूछ रहा है a program that translates one program instructions at a time. At a time अगर बोलेगा question में तो आपको answer mark करना है interpreter. क्योंकि interpreter का काम है step by step instructions को execute करना. किस तरीके से? Step by step, या इसको आप कह सकते हैं line by line. तो line by line जो काम जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है आपका इंटरप्रेटर. बट एंटायर प्रोग्राम जो एक बार में अगर ट्रांसलेट करता है तो उसको हम कहते हैं आपका कंपाइलर. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये करते क्या है. तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर इन दोनों का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मशीन लैंग्वेज क्या है. मशीन लैंग्वेज है वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं, आप और हम अंडरस्टैंड नहीं करते. बट हमें क्या, हमें हाई लेवल लैंग्वेज आती है, यानी जो डेवलपर्स हैं उनको हाई लेवल लैंग्वेज आती है, बट उनको जीरो और वन की भाषा नहीं समझ में आती. तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और मशीन लैंग्वेज को वापस हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. तो वो प्रोग्राम जो लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करता है वो तो आपका इंटरप्रेटर हो गया. और वो प्रोग्राम जो एक पूरे इंस्ट्रक्शंस को एंटायर प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है उसको हम कहते हैं कंपाइलर. तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा ना कि सी. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. रैम इज नोन एज, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आईसीटी में से. रैम और रोम ये दोनों ही एग्जाम्पल्स है मेन मेमोरी के, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं. तो रैम का फुल फॉर्म रीड एक्सेस मेमोरी नहीं है, रीड ऑटोमेटिक मेमोरी भी नहीं है, रीड एंड एक्सेस मेमोरी भी नहीं है. रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज आर करेक्ट. आपको यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, यानी जो भी चीज रैम के अंदर स्टोर होती है एक बार अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो रैम में जो भी सारी चीजें थी वो आपकी डिलीट हो जाती है. ओके, बट रोम में ऐसा नहीं होता है. रोम में ऐसा नहीं होता है, अगर पावर ऑफ भी हो जाता है तो रोम में जो भी चीज सेव्ड है वो डिलीट नहीं होती है. रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, पर रीड ओनली मेमोरी में सिर्फ आप रीड इंस्ट्रक्शंस को कर सकते हैं. मतलब इसमें जो भी डेटा उसको आप रीड कर सकते हैं बट आप इसमें राइट नहीं कर सकते. गॉट इट? मैं फिर से बताऊंगी, रैम का फुल फॉर्म है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसमें आप रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, पर रोम में आप सिर्फ रीड कर सकते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी. ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के टाइप्स हैं. ओके, द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट माइक्रोप्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर, सीरियल इंटरफेस या मॉडेम. तो एक पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम पीसी भी कहते हैं, वहां पे एक चीज होती है सिस्टम यूनिट. अब सिस्टम यूनिट में क्या आता है? सिस्टम यूनिट में आपका मदरबोर्ड भी आता है, आपका माइक्रोप्रोसेसर भी आता है, डिस्क कंट्रोलर है, सीरियल इंटरफेस है, ये सारी चीजें आती हैं, बट मॉडेम नहीं आता है. ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके पीसी का पार्ट है, बट मॉडेम आपके पीसी का पार्ट नहीं है, ये एक तरीके का एक्सटर्नल डिवाइस है. तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, मॉडेम सिस्टम यूनिट का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसका आंसर है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट आईबीएम पीसीज द सीपीयू, द डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बोर्ड? यानी जो भी हम पर्सनल कंप्यूटर्स यूज करते हैं उसमें आपने देखा होगा आपके सिस्टम में, आपने सुना होगा ना, कई लोग बोलते हैं मेरे सिस्टम में 2 GB रैम है, मेरे सिस्टम में 8 GB रैम है. तो इसका क्या मतलब है कि आपके रैम या आपके सिस्टम की स्पीड डिफाइन होती है. अब कई बार क्या होता है कि अगर किसी का 2 GB रैम वाला कंप्यूटर है और उनको लगता है अरे मेरा सिस्टम तो स्लो है, तो क्या करते हैं हम 6 GB एडिशनल रैम उसमें इंक्लूड कर देते हैं या उसमें ऐड कर देते हैं.
वो चीज आप कहाँ पे करते हैं? वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में करते हैं। नॉर्मली आपको और हमको शायद नहीं पता होगा, बट जिनको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है, वहां आप अगर कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो एक पार्ट रहता है मदरबोर्ड, जिसको हम मेन सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपका मदरबोर्ड मेन सर्किट बोर्ड है किसी भी कंप्यूटर का। इसके अंदर आपकी ये चिप्स होती हैं, रैम, रोम, ये सारे स्लॉट्स आपके अवेलेबल होते हैं मदरबोर्ड में। ना ही सीपीयू इसका आंसर है, ना ही डॉटर बोर्ड, ना ही जीएम बोर्ड। वो कॉम सिस्टम कंप्यूटर का पार्ट जहाँ पे आप रैम और रोम, ये सारे स्लॉट्स और ये सारी चिप्स माउंट करते हैं, उसको कहते हैं हम मदरबोर्ड। ओके, What is the name of the display features that highlights area of the screen that requires operator's attention? तो display screen, display feature that highlights area of the screen, उसको हम कहते हैं कर्सर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। जब भी हम कंप्यूटर में कुछ लिखना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा ना कि एक चीज रहती है, ऐसे नोटपैड अगर आप ओपन करते हो तो ये बार बार ब्लिंक होती रहती है, उसको हम कहते हैं कर्सर, क्योंकि वो कंप्यूटर को बताता है कि आप कहाँ पे अभी लिख रहे हैं। इट हाइलाइट्स द एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट रिक्वायर्स द ऑपरेटर्स अटेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन इट। कई बार आपने देखा होगा ना, हम कहते हैं कि दिस इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस, जैसे आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, या आपके बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हो गए। कई सारे आजकल आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन हो गया या फ्रिज हो गया, इन सारी चीजों में भी हम इनको कहते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस। या पीसीज में भी आपने देखा होगा कि उसमें भी कई सारे इंटेलिजेंट, हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ स्मॉल स्मार्ट डिवाइस और इंटेलिजेंट डिवाइस। हम ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे डिवाइसेस में एक तरीके का माइक्रो कंप्यूटर अटैच होता है। क्या होता है उसमें? माइक्रो कंप्यूटर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ना ही कंप्यूटर होगा, ना ही प्रोग्रामेबल, ना ही सेंसर। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है माइक्रो का मतलब? स्मॉल। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर। स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर होता है एक तरीके का माइक्रो कंप्यूटर। ओके, तो आपने ये सारा कहाँ पे देखा होगा? आपने आपके स्मार्ट वॉच में देखा होगा, आप एसीज में देख लीजिए, कई सारे डिवाइसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये डिवाइसेस ऑटोमेटिकली चीजें डिटेक्ट कर लेती हैं। जैसे अगर मैसेज आता है तो भी आपको वॉच में पता चल जाता है, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो वो भी आप लिखिएगा, ताकि हमको ये समझ में आएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे सेशन से। क्योंकि इन द कमिंग डेज मैं सारी यूनिट्स को डिस्कस करूंगी फॉर जेके सेट, और आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारी जेके सेट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलेगी, आपको सिलेबस मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा फॉर जेके सेट 2022। सो डू ज्वाइन आवर कोर्स एंड क्रैक अपकमिंग जेके सेट एग्जामिनेशन। See you in the next video. Take care. Bye-bye.